प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इस ऑल पर सेट कर दें। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चाट। ये एक चटपटा नाश्ता है, इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। इसको हम दो तरह से सर्व कर सकते हैं, एक टिक्की की तरह, आलू की टिक्की की तरह, और एक वेजेस पोटैटो वेजेस की तरह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू चाट। इसके लिए सबसे पहले हम एक भगोने में पानी गर्म करने रखेंगे और उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। और इसके लिए जो है हमने कच्चा आलू लेकर उसको 1 सेंटीमीटर मोटा कट करा हुआ है। अब हम इसको सारे अपने आलूओं को पानी में डाल देंगे। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अब ये देखिए हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हमें इसे इसमें अपने छन्नी से स्ट्रेनर से इसको निकाल लेना है। इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना है और इसको रखकर अब हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डालकर रख देंगे। अब ये देखिए हमारे आलू ठंडे हो गए हैं और ये हमारे करीब 80% बॉईल भी हो चुके हैं। तो अब इस टाइम पर हम इसे एक हथेली में रखकर अपनी दोनों हाथों के बीच में हल्का हल्का प्रेस करके दबा लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे आलूओं को अच्छे से दबा लेंगे। अब हम इसको सैलो फ्राई करेंगे। इसको हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसको सैलो फ्राई करना है। उसके लिए हमने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल खाते हो उसे डाल ले, कोई इशू नहीं है इस बात का। अब हम इसमें अपने जो हमने प्रेस करके आलू रखे हुए हैं उनको डाल के मीडियम फ्लेम में पलट पलट कर सेक लेंगे। अब हमारे ये हो गए हैं। अब हम इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और हम इन्हें सर्व करेंगे। इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारे थोड़े पतले आलू थे उनको एक अलग प्लेट में रखा है और जो थोड़े से मोटे थे उनको हम एज अ टिक्की, आलू टिक्की की तरह सर्व करेंगे। ये जो हमारे पतले वाले हैं अब हम इसमें अपना मसाला डालेंगे। मसाले में हमने सबसे पहले जीरा, भुना जीरा डाला है, काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। ये क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकती हैं। और ये देखिए हमने इसको मिला लिया है और ये हम एज अ पोटैटो वेजेस सर्व करेंगे। अब हम दूसरी जो हमारे थोड़े मोटे आलू थे उनकी एज अ टिक्की हम उसको सर्व करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले इसमें हमने दही को फेंट कर हल्का चीनी डाल के रखा था उसको डालेंगे और इसके ऊपर हमने मीठी सौंठ डाली हुई है। मीठी सौंठ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी डाली है। ग्रीन चटनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने लाल मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर डाला है और ये देखिए हमारी टेस्टी टिक्की रेडी है।